नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल मंडी, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा, एजुकेशन डिपार्टमेंट से। हम जो आज की क्लास में हमारे पास शुरू करेंगे हमारा, ठीक है, हमारी क्लास नाइन्थ का हमारा जो चैप्टर इलेवेंथ है रचनाएं, उसको हम पढ़ेंगे, उसको बारे में शुरुआत करेंगे। इसके जो पहली एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसके अंदर हम कोण बनाना सीखेंगे। इन कोनों को आप ऑलरेडी, क्योंकि छोटी कक्षाओं में, सेवन्थ में भी, एट्थ में भी, सिक्स्थ में भी, फिफ्थ में, और फिफ्थ से इन सभी कोनों को बनाते आ रहे हैं, इसलिए कोन की रचना आपको करनी आती है। आज के हम इस वीडियो के अंदर प्रकार पेंसिल की हेल्प से ना होकर मार्कर की हेल्प से ही मैं आपको बनाने का तरीका बताऊँगा और रचना लिखने के बारे में बताऊँगा। फिर उन चीज़ों की पुष्टि भी करूँगा कि ये कोन आपके पास सही है या गलत है, ठीक है। हम उस कोण की पुष्टि भी करेंगे कि इस प्रकार से आपको उस कोण के बारे में जानना होगा, उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें क्या करना होगा, जैसे आपको पहला ही क्वेश्चन है जो हमारे पास 11.1 का क्वेश्चन है, 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा है इन्होंने, ठीक है। 90 डिग्री के कोण के अंदर हमारे पास क्या होता है, जब ऐसे हम जानते हैं हमारे पास कि 11.1 के 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आपने कोई रेखा ली, मान लेते हैं मैं ए बी रेखा लेता हूँ, ठीक है। इस ए बी रेखा को लेंगे आप, इस ए बिंदु पर प्रकार का नोकीला सिरा रखेंगे, नोकीला सिरा रखेंगे और एक चाप काट देंगे, ठीक है। आपने ये चाप काटी, अब ये चाप मान लेते हैं इस ए बी को हमारे पास बिंदु सी पर मिलती है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस सी बिंदु पर उतनी ही प्रकार खोली रखेंगे, प्रकार को कम ज़्यादा नहीं करेंगे। सी बिंदु पर रखेंगे, हमारे पास पहली चाप काटेंगे, ये चाप हमारे पास बिंदु डी पर मिलती है, ठीक है। फिर इस डी बिंदु के ऊपर प्रकार रखेंगे, आपके पर प्रकार का नुकीला सिरा रखेंगे, हम अगली चाप काटेंगे जो मान लेते हैं बिंदु ई पर मिलती है हमारे पास, ठीक है। अब डी और ई का हम समद्विभाजक खींचेंगे, मतलब डी और ई के ऊपर हम रखकर प्रकार चाप लगाएंगे हमारे पास, जो आपस में बिंदु जी पर मिलेंगी, ठीक है। अब ए जी को मिलाते हुए हम ए जी को मिलाते हुए हमारी लाइन खींच देंगे, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारे पास P बिंदु हो गया, तो ये हमारे पास जो कोण पी ए बी है, ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। अब हमें कहा जाता है कि इस चीज़ की रचना लिखनी है हमें, कि हमने किस ढंग से इसको किया, ठीक है। हम रचना के चरण की बात करते हैं, रचना के चरण किस ढंग से हम इसको लिखेंगे वो देखें। पहला पॉइंट इसका क्या लिखेंगे, हमने क्या किया था, ए बी एक रेखाखंड खींचा, ए बी एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। आज मैं आपको सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया, मैं सिर्फ प्रकार पेंसिल की हेल्प से आपको बनाने का तरीका ना बताकर मार्कर की हेल्प से बता रहा हूँ कि हमने किस प्रकार से इनको बनाना है और उनकी रचना कैसे लिखेंगे और इनकी पुष्टि हम कैसे करेंगे, ठीक है। इनकी सत्यता को हम किस प्रकार से जाँचेंगे, हम अपने अगले भाग के अंदर इन्हीं सभी कोनों को प्रकार पेंसिल से बनाना सीखेंगे। लेकिन आज आप इस वीडियो को देखकर अपनी प्रैक्टिस करेंगे और कोनों को बनाने की खुद भी कोशिश करेंगे, ठीक है। जिस कोन के बारे में आपको नहीं पता चलेगा, आप अगली वीडियो को देखकर उस चीज़ों के बारे में और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। आज फिलहाल अपने आप खुद करेंगे, क्योंकि आपने पिछड़ी कक्षाओं में किया हुआ है। तो नंबर दो देखेंगे हमारे पास रचना का, हमने सबसे पहले ए बी एक रेखाखंड खींचा, फिर उसके बाद बिंदु ए के ऊपर हमने एक चाप काटी, ठीक है। बिंदु ए पर एक चाप काटी, जो, ठीक है, जो क्या कर रही है, ए बी को बिंदु सी पर मिलती है, बिंदु सी पर मिलती है, ये हुआ हमारे पास, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर तीन पर हमने क्या किया, ठीक, सी बिंदु से हमने, ठीक है, बिंदु सी से चाप पर दो चापें डी व ई काटी, ठीक है। यही किया हमने, पहले चाप डी पर पहुंचे, फिर डी से ई पर पहुंचे हम, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट हमने क्या किया, बिंदु, क्योंकि इनको नाम दे दिया हमने, बिंदु डी व ई से, ठीक है, ऊपर की तरफ दो चापें काटी, जो आपस में बिंदु जी पर मिलती हैं,
ठीक है, ये हुआ हमारे पास। और उसके बाद नेक्स्ट देखें हमारे पास पांचवा पॉइंट क्या हुआ इसके अंदर, हमारे पास पांचवे पॉइंट के अंदर क्या हुआ, हमने एजी को मिलाया, एजी को मिलाया, अंत है हमारे पास कौन, पी ए बी, आपने इसको पी नाम नहीं देना तो जी ए बी कह लें, ठीक है, हमारे पास 90 डिग्री है। क्लियर, ये हमारे पास क्या होगी, हमारी पूरी रचना के बारे में जानकारी होगी। अब हमें इसकी पुष्टि करनी है, ठीक है, जांच करनी है इसकी, हम जांच करेंगे या कहीं पुष्टि करेंगे, इसकी जांच करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है इसलिए दो तरीके हैं, अदरवाइज हम एक ही तरीका मेनली यूज़ करेंगे, वही तरीका हम यहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये बिंदु मान लेते हैं हमारे पास, मान लो बिंदु एफ है, आपने सी एफ को मिला दिया, ठीक है, अब आप क्या करें, इन कोनों को मापेंगे, ये कोण हमारे, ठीक है, मान लो इस कोण को मैं अगर नाम दे दूं कोण नंबर एक, और इस कोण को अगर आप नाम दे दें कोण नंबर दो हमारे पास, ठीक है, तो आप कोण नंबर एक और कोण नंबर दो को मापेंगे। कोण नंबर एक और दो से हमारे पास, क्योंकि जो त्रिभुज ए एफ सी है वो एक त्रिभुज बन रही है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, हमें हमारे पास अगर दो कोणों का मान होगा तो तीसरा कोण भी आपके पास आसानी से निकल आएगा, ठीक है, ये चीज़ रहेगी हमारे पास। ये डिपेंड करती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 45-45 के ही होंगे या 90 ज़्यादा के होंगे, कम से उससे कम ज़्यादा के होंगे, इनका मान आपके अकॉर्डिंग कुछ भी बन सकता है हमारे पास, ठीक है, वो कैलकुलेशंस करने पर क्लियर होगा कि आपके पास क्या मान बनता है, क्या दिया गया है, ठीक है। लेकिन एक जनरल तौर पर अगर आप देखेंगे यहाँ से हमारे पास ये मान, क्योंकि हमने उसी चाप को लेते जा रहे हैं, और ये दूरी आपकी लगभग बराबर रहेंगी, बराबर रहने के कारण जो हमारे पास कोण नंबर एक और कोण दो का जो मान है हमारे पास, कोण एक मापने पर भी 45 आएगा और दो भी मापने पर 45 आएगा, क्योंकि आपके पास ये दोनों कोण आपके जो अगर आप देखें ए सी और ए एफ, ये दोनों की दोनों लंबाई के अंदर आपके पास बराबर हैं, ठीक है, एक ही चाप के अकॉर्डिंग चल रही हैं ये, ठीक है, उस चीज़ के कारण। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ मान लीजिए, मैं अगर इसको कोण नंबर तीन कह दूँ, आपके पास प्रकार एक प्रकार से ये चीज़ बन रही है, ये कोण नंबर एक हो गया, ये कोण नंबर दो हो गया, ये आपका तीन हो गया, ये बिंदु सी है, ये बिंदु एफ है आपके पास, और ये बिंदु ए है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है, एक आपके पास 45 का, दो आपके पास 45 का, तीन आपके पास पता करना है आपको, ठीक है, तो कोण तीन का मान कितना होगा, 180 माइनस 45, 45 90, बराबर में 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो कोण है पी ए बी वो कितने का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। दूसरा मैंने आपको जैसे बताया ही है, आप इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कर सकते थे, इस दूरी का वर्ग और इस दूरी का वर्ग, ठीक है, क्योंकि ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, आधार और लंब का वर्ग आपके कर्ण के वर्ग के बराबर आएगा, ठीक है, आप यहाँ से आधार, लंब और कर्ण तीनों का वर्ग निकालेंगे, इन दोनों का वर्ग का जोड़ इसके वर्ग के जोड़ के बराबर आएगा, तो ये आपके पास मतलब पाइथागोरस का विलोम सिद्ध हो गया, तो पाइथागोरस के विलोम के अनुसार आपका जो ये कोण है वो क्या होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, ये कंसेप्ट आपके लिए इसलिए सही है क्योंकि इसके अंदर आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, ये जो पाइथागोरस वाला है वो 90 डिग्री के कोण पर ही लागू होता है, अदरवाइज किसी और कोण में लागू नहीं होता हमारे पास, ठीक है। बाकी देखेंगे अब हम आगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर दो के अंदर हमें किस प्रकार से करना होगा। क्वेश्चन नंबर दो में आप देखें हमें कितने डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा है इन्होंने, ठीक है, कितने डिग्री का इन्होंने कहा है, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कहिए कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन नंबर दो में आपको 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए इन्होंने कहा है। अब 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका आपके पास, जैसे आपने एक ए बी रेखाखंड लिया, ठीक है, इसके ऊपर आपने एक चाप लगाई जो यहाँ सी बिंदु पर मिलती है, सी पर रखकर आपने बिंदु डी और ई की दो चापें काटी, डी और ई का आपने लंब समद्विभाजक समद्विभाजक खींचा जो आपके पास, ठीक है, आपस में बिंदु जी पर मिलता है, ये हमारे पास 90 डिग्री का कोण हो गया। अब बिंदु सी, और मान लीजिए अगर आप इसको बिंदु एफ नाम दे दें इस बिंदु को, ठीक है, तो सी और एफ का आपने समद्विभाजक खींचेंगे आप, क्योंकि वो 90 डिग्री का कोण है आपके पास, तो ये कितने का हो जाएगा आपका, 45 डिग्री के लिए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने 90 डिग्री का समद्विभाजक खींच दिया, ठीक है। एक तरीका आपके पास 45 डिग्री कोण ज्ञात करने का ये बनता है। एक नेक्स्ट तरीका आपके पास क्या बनता है, ठीक है, 45 डिग्री के कोण को ज्ञात करने का, सुन, आपने क्या किया, एक ए बी रेखाखंड खींचा हमारे पास, ठीक है, आपने एक चाप लगाई हमारे पास,
और ये बिंदु सी पर मिलती है, सी से चाप काटिए, आपने 60 डिग्री की चाप होगी हमारे पास, ठीक है। अब आपके पास जहाँ ये कट रही थी इसको आपने बिंदु ई नाम दिया मान लीजिए, सी और ई का आपने समद्विभाजक खींचा, सी और ई का समद्विभाजक खींचेंगे तो आपके पास ये दी गई चाप को बिंदु डी पर काट रहा है, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री का था तो 60 का आधा क्या हो जाएगा हमारे पास, 30 डिग्री, ठीक है। अब सी और डी का समद्विभाजक खींचेंगे तो 15 बन जाएगा, क्योंकि ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये जो लाइन है हमारे पास 0 डिग्री की है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 30 और 60 का समद्विभाजक खींचेंगे, मीन बिंदु डी और ई से, ठीक है, कौन डी ए ई का समद्विभाजक खींचा, ठीक है, जो आपके पास 45 डिग्री का कोण बनाएगा, क्लियर। और अगर आप यहाँ से ख्याल रखें 0 और 30 का समद्विभाजक खींच देते, ठीक है, तो आपके पास अगर ये कर देते तो ये आपके पास कितने डिग्री का कोण बन जाता, 15 डिग्री का कोण बन जाता, ठीक है, जो हमारे पास किसमें है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के तीसरे पार्ट के अंदर। और 30 डिग्री का कोण हमें किसमें ज्ञात करना है, तीसरे के पहले भाग के अंदर। अब हमें 22.5 डिग्री का कोण ज्ञात करना है, ठीक है, तीसरे के दूसरे भाग में। तो उसके लिए आपके पास क्या चीज़ है, आपकी चॉइस, आपने 0 से 90 बनाए, पहले 90 का बनाया, 0 से 90 का आधा 45 किया, 22.5 हमारे पास 45 का आधा होता है। तो सी, और मान लीजिए ये बिंदु, अगर आप इसको, ठीक है, इस बिंदु को मान लीजिए मैं ई नाम दे देता हूँ, क्योंकि डी तो आपने इस चाप को दिया हुआ है ना, 60 वाली चाप को। सी और ई का अगर आप समद्विभाजक खींचते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो बनेगा वो 22.5 डिग्री हो जाएगा। ये आपके पास तीसरे क्वेश्चन का सेकेंड भाग हो जाएगा। दूसरा तरीका आपके पास क्या बनता है, आपने पहले 60 का कोण बनाया, 60 से 30 का, 30 से 15 का, 15 और 30 के बीच का आधा, ठीक है, समद्विभाजक आपके पास 30 और 15 और 30 के आधे का समद्विभाजक खींच देंगे, आपके पास जो ये कोण बनेगा ये आपका 22.5 डिग्री का कोण होगा। इनकी रचना आपने उसी तरीके से लिखनी है जैसे भी आप जिस कोण को भी बनाएंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने, अगर हम इसकी बात करें, 45 डिग्री के कोण को बनाने की बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बात करें हम पहले, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखें, आपने रचना हमारे पास, नंबर 1 ए बी रेखाखंड खींचा, ठीक है, ए बी रेखाखंड खींचा। नंबर 2 हमारे पास क्या किया हमने, बिंदु ए पर चाप काटी जो ए बी को सी पर मिलती है, ये किया हमने, ठीक है। नंबर 3, मैं इसके लिए बता रहा हूँ, आप जैसे बनाएंगे उसी तरीके से आप रचना लिख देंगे, ठीक है ना। रचना आपने जैसे, क्योंकि छठी क्लास से आप लिखते आ रहे हैं, 7th 8th में, तो आपने रचना पर पूरी प्रैक्टिस की करवाई गई होगी आपको, लिखने के तरीकों के बारे में आपने ड्राइंग में भी किया होगा इसको, ठीक है। ड्राइंग में तो बिल्कुल पूरी तरह से रचना की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो किसी भी पॉइंट पर आपने जिस जिस तरीके से, आप जैसे जैसे पेंसिल का पेन का यूज़ करते हैं, आप उसी ढंग से लिखते चले जाते हैं रचना के पॉइंटों पर। दूसरा आपने क्या किया, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाया आपने, 90 डिग्री के सभी पॉइंटों को लिखना चाहें सभी पॉइंटों को लिख दें, अगर आप सीधा ही लिखना चाहें, क्योंकि आपको मेन टारगेट 22.5 पर है, 45 पर पहुँचने का है, तो आप सीधा भी लिख सकते हैं कि जी ए बी बराबर में 90 डिग्री का कोण बनाया गया, ठीक है। जैसे पहले क्वेश्चन में तो हमें क्या करना था, क्योंकि 90 का ही बनाना था, ठीक है, तो हमने उसके बारे में पूरी रचना लिखी। यहाँ क्योंकि हमारे पास टारगेट 90 डिग्री का कोण नहीं है, उसका आधा है आगे 45 डिग्री, ठीक है, तो हम इसलिए उसको क्या करेंगे, अब बिंदु सी व एफ से, ठीक है, कोण 90 डिग्री का समद्विभाजक खींचा गया, समद्विभाजक खींचा गया, ठीक है, अर्थात हमारे पास जो कोण है ये हम कोण का नाम दे रहे हैं इसको, ठीक है, इसको आपने मान, यहां पर क्या नाम दिया हुआ है, ई बिंदु नाम दिया था हमने इस बिंदु को, ये हमारे पास बिंदु ई पर था, ठीक है, तो ई ए बी आपके पास कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है। अगर आप 22.5 डिग्री वाले पॉइंट पर पहुंचना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके पास मतलब तीसरे की सेकंड भाग की रचना बन जाती है ये, ठीक है। यहीं पर आपने फिर क्या किया, सी और ई का, ठीक है, बिंदु सी व ई से कोण 45 डिग्री का समद्विभाजक, ठीक है, समद्विभाजक खींचा, ठीक है, अर्थात हमारे पास, हमने इसको कोई भी नाम दे दे, मान लीजिए यहाँ पर अगर हम इसको नाम देते हैं, ठीक है, मान लो मैं एच नाम दे देता हूँ,
ठीक है, मतलब अर्थात कोण एच ए बी बराबर में 22.5 डिग्री। क्लियर, आपके पास ये क्वेश्चन हो जाता है। अब इसी क्वेश्चंस की आपको पुष्टि करनी हो, जांच करनी हो, ठीक है, तो उसकी हम जांच किस प्रकार से करेंगे वो देखें। हमारे पास इस कंसेप्ट के अंदर दूसरा क्वेश्चन के साथ साथ हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कवर हो गया है, ठीक है। 22.5 डिग्री, 15 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाने का तरीका, अब पुष्टि करनी हो आपने, जांच करनी हो, वही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर एक के अंदर की थी, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास, हम कोई भी एक विधि लगाई है हमने, वो कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। आपके पास ये ए बी बिंदु था, यहाँ से आपने एक चाप काटी है, ठीक है, ये 60 की चाप होगी, 120 की, ये 90 डिग्री की चाप बन गई हमारे पास। आपने इनको मिलाया, ये 90 डिग्री की होगी, ठीक है। ये हमने सी बिंदु नाम दिया, तो इसको डी नाम दे देते हैं, इसको ई नाम दे देते हैं, ठीक है। आपने इसको मान लेते हैं एफ़ नाम देते हैं, सी और एफ़ का आपने आधा कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम जी नाम दे देते हैं, यहाँ क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। तो आपके पास एक प्रकार की इस तरह की आकृति बन रही है, ये जी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। ये कोण नंबर एक और ये कोण नंबर दो, कोण नंबर एक और कोण नंबर दो, इसको मैं मान लेता हूँ कोण नंबर तीन, ठीक है, जो हमें मेन ज्ञात करना है। आप प्रकार से डी से कोण एक का माप ज्ञात करेंगे, कोण दो का माप ज्ञात करेंगे, ठीक है। हम मान लेते हैं इसके कैलकुलेशंस करने के लिए, ठीक है, कि कितने कितने डिग्री के हैं। मान लेते हैं एक कोण आपका 70 डिग्री का है, दो कोण आपका 65 डिग्री का है, ठीक है, मान लिया हमने। तो अब क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है, एक आपके पास 70 का, दो आपके पास 65 का, तीन कोण आपको पता करना है, ठीक है। तो 70 और 65 हमारे पास कितने हो गए, 135 डिग्री हो गए, ठीक है। तो कोण तीन का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 180 माइनस 135 डिग्री, मतलब बराबर में 45 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास हमारा कोण नंबर तीन का मान आ गया, जो हमें प्रूफ करना था, पता करना था, ठीक है, जिसकी पुष्टि करने के लिए हमें कहा गया था। क्लियर, इसके बाद देखते हैं हम हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चार, उसके अंदर हम किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चार के अंदर आपको देखें, निम्न कोणों की रचना कीजिए और चांदे द्वारा मापकर पुष्टि भी कीजिए। मींस यहाँ पर आपको स्पेशली इन्होंने कह दिया कि डी से माप लें सीधा ही कोण, बाकी कोणों को मापकर देखने की जरूरत नहीं है, आप जो रचना की है उसको ही डी से माप लेंगे। क्वेश्चन नंबर चार, आपने एक ए बी रेखाखंड लिया, ठीक है, बिंदु ए से आपने एक चाप काटी जो आपको ए बी पर सी पर काटती है, क्योंकि 75 का बनाना है। यहाँ से आपने पहली चाप काटी बिंदु डी पर और डी से दूसरी चाप काटी बिंदु ई पर, ये आपके पास 120 की, ये 60 की और 120 की चाप होगी, 60 और 120 का आपने समद्विभाजक किया, ठीक है, ये हमारे पास हमारा 90 डिग्री का बन गया, जो आपस में बिंदु जी पर मिल रहा था। अब हमें 75 का बनाना है, देखिए ये आपके पास जो बिंदु होता है ये 60 का होता है, ये 90 का है हमारे पास, ठीक है, ये पास हमारे पास 90 डिग्री का है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास हम 75 हमारे पास 60 और 90 के बीच में आएगा, तो हम 60 और 90 वाले बिंदु का समद्विभाजक कर देंगे। बिंदु मान लीजिए इसको जी नाम दे दिया, इसको हम एच नाम दे दें मान लेते हैं, ठीक है, एच और डी का समद्विभाजक खींचा, ठीक है, आपके पास ये चला गया। मान लेते हैं ये आपके पास बिंदु एफ मान लें, ठीक है, तो आपके पास कोण एफ ए बी ये कितने का हो जाएगा, 75 डिग्री का। अब इसको आपको चांदे मतलब डी की सहायता से आप इस कोण को डायरेक्ट माप लेंगे, ठीक है, और डी पर मापने पर आपके पास 75 डिग्री का कोण ही बनेगा ये, ठीक है। अगर 75 का नहीं बन रहा है, ठीक है, कोई ज़्यादा फर्क आ रहा है, तो समझो आपकी कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन में गलती कर बैठे हैं। अगर आपके मापने के अंदर, माप के अंदर आधा डिग्री तक का फर्क आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके माप के अंदर आप मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आधे डिग्री का आपकी कैलकुलेशन में फ़र्क नहीं होगी। दो चीज़ों के कारण आधे डिग्री का फ़र्क आ सकता है, एक बार तो कई बार हम पेंसिल मोटी यूज़ करते हैं, ठीक है, तब आपके पास यहाँ जो बिंदु है हमारे पास वो मोटाई के अंदर बन जाता है, जिस कारण हम उसको सही ढंग से नहीं बना पाते हैं, ये बिंदु या दूसरी रेखाएँ मोटी हो जाती हैं, तो आधे डिग्री के आपके पास कोण का फ़र्क महसूस आपको हो सकता है, ठीक है। और दूसरा आपके कारण होता है कि आपके मापने में ही मिस्टेक हुई हो, ज़्यादा फर्क है तो डायमीन्स आपसे गलती ही हुई है 100%, ठीक है। आधे डिग्री के अंदर गलती के चांस आपसे गलती हुई हो, इसके चांस बहुत कम है, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसका चौथे क्वेश्चन का हमारा दूसरा भाग, उसमें क्या कह रहा है हमें, कहना 105 डिग्री का कोण बनाए। वही काम हमारे पास, हमने ए बी रेखाखंड लिया, ठीक है, और यहाँ पर कोण बनाया 60 120, ठीक है, आपके पास बिंदु सी डी और ई, आपने 60 और 120 का आधा किया, ठीक है, ये हमारे पास कितने का बन गया, आपके पास बिंदु जी पर काटा 90 डिग्री का बन गया, ठीक है।
अब आप जानते हैं जो बिंदु डी है वो 60 डिग्री के लिए है, जो बिंदु ये हमारा जी जा रहा है, ये लाइन जो हमने खींची है ये हमारे पास 90 डिग्री के लिए है, ई बिंदु 120 के लिए, क्योंकि 60 120 180 ऐसे चलनी थी चाप, ठीक है ना। अगर हम अगली चाप और काटते तो वो 180 की हो जाती है हमारे पास, तो बिल्कुल सीधी यहाँ पर सीधी रेखा बन जाती है आपकी। अब हम 105 का कोण कहाँ है, 105 क्या बनेगा 90 और 120 के बीच में, तो आप 90 और 120 मान लीजिए, अगर आप इसको एफ बिंदु नाम दे दें तो आप ई और एफ का समद्विराजक खींचेंगे, ठीक है। समद्विराजक खींचने पर हमारे पास जो ये रेखा बनेगी, मान लेते हैं आपकी एच रेखा बन गई, तो कोण एच ए बी, ठीक है, ये आपके पास क्या होगा 105 डिग्री का कोण होगा। और इसके माप के लिए मैंने आपको जैसे, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ही आपको जैसे कहा गया है, ठीक है, स्टेटमेंट के अंदर की चांदे की सहायता से, मीन्स प्रकार डी की सहायता से आप इन कोण की जांच करेंगे कि आपके द्वारा मनाया गया कोण है जो वो उतने ही डिग्री का बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। कोण के अंदर एक बात का हमेशा ध्यान रखना होता है आपको, जब आप जैसे एक सीधी रेखा है आपके पास, जैसे जैसे आप उस सीधी रेखा से दूर होते जाएंगे आपके कोण का माप बढ़ता चला जाएगा। मान लीजिए 0 डिग्री था, ये 30 है, ये 60 हो गया, ये 90, ये 105, 120 हमारे पास, ठीक है, 120, 135, 150, और जब बिल्कुल विपरीत दिशा के अंदर आ जाएगा तो 180 डिग्री के अंदर बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो आगे देखिए हमारे पास इसके तीसरे भाग में क्या कह रहा है आपको, ठीक है, तीसरे भाग में क्या कहा इन्होंने, 135 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें कह रहा है ये, 135 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा गया आपको, ठीक है। तो हम वही काम करेंगे, आपने एक रेखाखंड खींचा ए बी, बिंदु ए पर आपने एक चाप काटी जो ए बी को बिंदु सी पर काटती है, ठीक है, बिंदु सी से आपने चाप डी ई और एफ चाप काटी, ठीक है, क्योंकि 120 से बड़ा कोण जाना है तो तीसरी चाप हमें काटनी पड़ेगी। आपके पास अगर आप यहाँ से इनको मिलाएंगे तो वो बिल्कुल विपरीत रेखा बन जाएगी आपके पास, ठीक है, मीन्स रेखीय व्योम की तरह बनेगी। अब हमें 135 का कोण बनाना है, तो आपके पास इन दोनों कोणों का, 120 से बड़ा है, 180 से छोटा है वो, ठीक है, आप इन दोनों का समद्विराजक खींचेंगे 120 ई ओ एफ से, ठीक है, ई और एफ से आपने समद्विराजक खींचते कैसे हैं, बिंदु ई पर प्रकार का नुकीला सिरा रखेंगे, चाप काट देंगे, फिर बिंदु एफ पर रखेंगे, चाप काट देंगे, आपके पास जहाँ ये मिल गई बिंदु, ठीक है, आपने इनको मिला देंगे, जैसे इनको नाम दे रहे, मान लीजिए एच का नाम दे दिया आपने, अभी कितने का बनेगा, आप 120 और 180 इन दोनों का समद्विराजक खींच रहे हैं, मतलब 300 का समद्विराजक खींच रहे हैं, तो डैट मीन्स 150 बन जाएगा, ये जो कोण बना होगा वो कितने का होगा, 150 का, ठीक है। अब ई एफ मान लीजिए बिंदु जी पर है हमारे पास, ठीक है, आप क्या करेंगे, ई और जी का समद्विराजक खींचेंगे, बिंदु जी पर रखेंगे प्रकार उतनी ही, प्रकार को जितनी आपने शुरू में चाप लगाकर खोलते हैं उससे कम ज़्यादा नहीं करना, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपने, ठीक है ना। अगर अभी तक बनाते हुए आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं और गलतियां हो रही हैं, सही एग्जैक्ट नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है कि आप चाप को कम ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते इस समय हमने किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से कोण के माप को कम अधिक नहीं करना है। बिंदु जी पर रखेंगे आप चाप काट देंगे, बिंदु ई पर रखेंगे दूसरी चाप काट देंगे, आपके पास जहाँ ये चाप मिली आपके पास, ठीक है, ये चाप आपके पास कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 135 डिग्री का, आप देख सकते हैं। आप इसको डी से तो मापेंगे ही मापेंगे, ठीक है, आपकी जांच करने के लिए वैसे भी देखें 120 और 150 के समद्विराजक खींचा, मतलब दोनों का जोड़ करके आधा, तो 270 का जोड़ आधा किया तो हमने कितना हो जाएगा, 135 डिग्री, ठीक है, मतलब आपके पास 135 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो गया हमारे पास। क्लियर है हमारा कंसेप्ट, ठीक है। और इसको डी की सहायता से जरूर चेक कर लेंगे कि गलती ना हो, और ख्याल रखेंगे प्रकार के माप को कम अधिक हमें करना नहीं है, इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंदर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, इसमें आपको क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, कहना एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, ठीक है, जब इसकी दो भुजा दी हो, ठीक है, जब इसकी भुजा दी हो, अब हमें भुजा तो इन्होंने माप में तो दिया नहीं क्वेश्चन के अंदर, जब इसकी भुजा दी हो, ठीक है, हमें भुजा सिंपल कह दिया कि दी हो, तथा कारण सहित रचना कीजिए, ठीक है, हमें इसकी क्या करनी है, कारण सहित रचना भी करनी है। देखें किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, अपनी ही मर्जी से, अपनी इच्छा से एक माप ले लेंगे हम, ठीक है, एक भुजा ले लेंगे, तो वही हमारे पास रचना का पहला पॉइंट भी बनेगा। आपके पास रचना की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, भुजा ए बी बराबर में ए सेंटीमीटर खींची,
ए सेंटीमीटर हमने इसलिए मनवा लिया कि आपके पास आप करते वक्त कितनी मर्जी खींच सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने एक रेखाखंड खींच लिया ए बी, ठीक है, जिसका माप आपके पास क्या है, ए। उसके बाद हमने क्या करेंगे, अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा, बिंदु ए से व बी से ए सेंटीमीटर के बराबर चापे काटी जो आपस में बिंदु सी पर मिलती हैं, ठीक है। हमने इतनी ही प्रकार खोल लेंगे, बिंदु ए पर रखेंगे आपके पास एक चाप काट देंगे, फिर बिंदु बी पर रखेंगे प्रकार की चुन नोकीला सिरा, ठीक है, चाप काट देंगे और इस दोनों चापे जहाँ कटेंगे वो बिंदु सी हो जाएगा। और तीसरे में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, ए सी व बी सी को मिलाया, ठीक है, इनको मिला देंगे हम हमारे पास, ठीक है। अंत है त्रिभुज ए बी सी अभीष्ट, ठीक है, हमारे पास जो हमारी अभीष्ट समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, मतलब जो त्रिभुज आपको बनाने के लिए कहा गया था वो हमारी अभीष्ट त्रिभुज है ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, ठीक है, आप देखेंगे क्योंकि तीनों ही भुजाओं के माप हमने ए ए ए लिए हैं, ठीक है। अब हमें इसकी जांच भी करनी है, हमें जांच करने के लिए भी कहा गया कि इसकी जांच करें कि ये सही है या गलत है, ठीक है। आपके पास ए बी बराबर में बी सी बराबर में सी ए, तीनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, और हम जानते हैं बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण हैं वो बराबर होते हैं। ए बी के सामने हमारे पास कोण सी, बी सी के सामने कोण ए और सी ए के सामने कोण बी, ठीक है, बराबर में अगर हम एक्स डिग्री मान लें। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है, ये एक्स एक्स प्लस एक्स बराबर में 180 डिग्री, तो 3x बराबर में 180 डिग्री आपके पास, x कितना आ जाएगा, 180 बटा में 3 बराबर में 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, ठीक है, कि कोण A, कोण B और कोण C का जो माप है वो 60 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास भुजाएं हमने ली हुई थी इसलिए हमने कोण की सहायता से इसको संभव सिद्ध कर दिया। अगर हमने कोण की सहायता से इस त्रिभुजों को बनाया होता, ठीक है, तो हम भुजाओं को आपस में बराबर सिद्ध कर देते, ठीक है, वो जैसा मर्जी आप चाहें उस तरीके से इसकी जांच को कर सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर जैसे मैंने आपको बताया ही है, हम अगली वीडियो के अंदर इसके बारे में क्या, इसके अंदर क्या करेंगे, इस चैप्टर एक्सरसाइज 11.1 के इन्हीं क्वेश्चनों को हम प्रकार पेंसिल से बनाकर देखेंगे, ठीक है, और रचना के बारे में और इसकी पुष्टि के बारे में, इसकी जांच के बारे में, ठीक है, इसकी सत्यता की जो जांच की हमने, ठीक है, या औचित्य कहें या पुष्टि करने के लिए क्या दिया जाता है, कई बार जांच करना शब्द लिखा जाता है, उसको करने का तरीका आपका यही रहेगा, ठीक है। तो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको रचना और जांच के बारे में नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रकार पेंसिल से बनाने के तरीकों के बारे में ही समझाऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और आपने किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों मित्रों फ्रेंड्स अपने स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, मेरी इस वीडियो को जोर से जोर शेयर करें ताकि वो आपके साथ साथ अगर आपको अच्छी लगी है तो वो भी सीख पाएँ, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।